और मैं बिना किसी औपचारिकता के बहुत लंबी बात न करके सीधा विधायक जी को निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच में पधारे, माननीय अतिथियों का स्वागत संबोधन प्रदान करें। आज के इस पावन पवित्र कला के स्थान पे ये आज जो आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा एवं कला महोत्सव, उसमें मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर आदरणीय हेमराम जी चौधरी साहब, हमारे राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री आदरणीय रामलाल जी जाट साहब, साथ में हमारे मंत्री और AICC के प्रवक्ता संदीप जी यहाँ पे विराजमान मेरे साथ, तमाम यहाँ पे बैठे हैं, महाराज साहब बैठे हैं और साथ में है मेरे ब्लॉक अध्यक्ष जी और तमाम मंचासीन अतिथिगण, और सामने विराजमान सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के निवासी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हरिराम को कि आपने एक माला में सबको पिरो के देख लिया, पूरे राजस्थान से नहीं उसके बाहर से भी लोगों को बुलाया है इस मेले में, एक छोटे से स्थान को इतना आगे फेमस किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और तमाम जो पूरी समिति है यहाँ पे, सरपंच साहब हैं यहाँ पे और पूरी कार्यकारिणी है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह से शिक्षा का, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग काम करते रहे। मैंने भी कोशिश की है सर, मैंने इस बार 4 कॉलेज लेके आया मैं यहाँ पे, और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिए भी, जो भी मैंने लिखा उन्होंने मुझे दिया, और कुल मिला के कृषि कॉलेज मैंने यहीं खोला ही है सुरई, और आपको पता ही है मॉडल स्कूल के पास में 4 स्कूल कॉलेज और लेके आ रहा हूँ मैं, एक गर्ल्स कॉलेज है, एक IIT कॉलेज है, एक नर्सिंग कॉलेज है निवाई विधानसभा के लिए। मैंने कोशिश की है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे अच्छी नौकरी करें, अच्छी जगह जाएँ, और यही उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी। अभी भी मैंने 1,30,00,000 की सड़क बनवाई थी आपके पंचायत के अंदर पिछली बार, जो बनकर तैयार भी है और बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी करेंगे, और मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ, आपके आशीर्वाद और प्यार के मैं वो हमेशा अभिलाषा रहती है, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लायक आप कुछ हो तो बताइए। बाबा के दरबार में 2-2 मंत्री बैठे हैं, MLA साहब को जो भी लिख के देंगे वो सब काम करेंगे।